हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनम बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जनम बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंदा जाय जय गोपाल जय जय गोविंदा जाय गोविंदा जाय गोपाल जय जय गोविंदा जाय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय जय अनेथाय गौर हरि बोल नेथाय गौर हरि बोल नेथाय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्र हिज डिवाइन ग्रेस सीमा शिल अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद जी की जय गुरु परंपरा की गुरुवर्ग वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमः चरण शिल हरिदास ठाकुर की
सिरोपसी सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभु गौण की भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की समवेत भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोहभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शगरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं शावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं हरि ओम तत्सत् सभी भक्तों का को मेरा सादर दंडवत प्रणाम भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भागवतम के सत्र में हरे कृष्णा
दसम स्कंद का अध्याय 68 टेंथ कैंटो 68। इस अध्याय का शीर्षक है सांब का विवाह। दो श्लोक हमें दिया गया, 17 और 18। तो 17वां श्लोक मैं बोलूँगा, आप लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे और 18वें श्लोक को हम रिसाइट करेंगे मिलकर। सो अभी वंद्य अमिक अंबिका पुत्रम भीष्मम द्रोणम च बालिकम दुर्योधनम च विधिवत रामम आगतम अब्रवीत। अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र तथा भीष्म द्रोण बाहुलिक तथा दुर्योधन को समुचित आदर देकर उद्धव ने उन्हें बतलाया कि भगवान बलराम जी आ गए हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक कोटेशन है, प्रभुपाद जी उसको उद्धृत करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यहाँ पर उद्धव द्वारा युधिष्ठिर तथा उनके संगियों को नमस्कार किए जाने का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उन दिनों पांडव गण इंद्रप्रस्थ में गए हुए थे। अगला श्लोक, ते अति प्रीतास्तम आकन्य प्राप्तम ते अति प्रीतः तमः आकन्यः प्राप्तम रामं सुरित्तमं सुरिदातमम सुरिदं तमम तम अर्च तमम सॉरी तम अर्च इत्वा अभियह्युः सर्वे मंगल पाणयः ते अति प्रीतास्तम आकण्य प्राप्तम रामम सुरित्तमम तम अर्चयित्वा अभियुः सर्वे मंगल पाणयः ते अति प्रीतः स्तम आकण्य प्राप्तम रामम सुरित्तमम तम अर्चयित्वा अभियुः सर्वे मंगल पाणयः। ते अति प्रीतस्तम आकण्य
वैष्णवी माता जी, अनुवाद हमारे साथ बोलेंगे। यह सुनकर कि उनके प्रियतम मित्र बलराम आ चुके हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम उन्होंने उद्धव का आदर किया। तत्पश्चात वे अपने हाथों में शुभ भेंटे लेकर भगवान से मिलने गए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्णा बुक, प्रभुपाद जी इस प्रसंग में लिखते हैं कि कुरु वंश के प्रधान गण, विशेष रूप से धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन अत्यंत हर्षित थे, क्योंकि उन्हें यह भली भांति पता था कि भगवान श्री बलराम उनके परिवार के महान शुभचिंतक हैं। यह समाचार सुनकर उनके हर्ष की सीमा न रही, अतएव उन्होंने तत्काल उद्धव का स्वागत किया। भगवान बलराम का उचित स्वागत करने के लिए वे अपने अपने हाथों में उनके स्वागत की शुभ सामग्री ले लेकर उनसे भेंट करने नगर द्वार के बाहर गए। तो भगवान की वंशावली बहुत बड़ी है, कृष्ण का वंश बहुत बड़ा है। जब भगवान भौम लीला इस वृंदावन लीला में भगवान की 16,108 पत्नियां और द्वारका में भगवान निवास कर रहे हैं, तो आप समझिए कि एक एक पत्नी से उनको 10 पुत्र संतान और एक पुत्री संतान, इस प्रकार बड़ी बहुत बड़ी वंशावली भगवान की इस धराधाम में रही। कितना टेंशन भगवान को होगा, कितना मैनेजमेंट भगवान को करना पड़ता होगा, छोटे से परिवार में हम परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान को कितना बड़ा मैनेजमेंट संभालना होता है। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है ना, और असंख्य लोक हैं, असंख्य प्लैनेटरी सिस्टम है, शहर ग्राम इत्यादि हैं। प्रत्येक शहर ग्राम में सर्वत्र जीवात्माएं हैं, अलग अलग जगहों में हैं, असंख्य जीवात्माएं हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सब जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। तो भगवान का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, कितना टेंशन से भरा है ना, हम लोगों को लगता है ना कितना टेंशन होगा, लेकिन फिर भी उनका अटेंशन कम नहीं है। हमारा टेंशन बढ़ जाता है तो अटेंशन भी घट जाता है, अटेंशन खत्म, छोड़ दिया, दायित्व नहीं है ना। लेकिन भगवान ने पूरी तरह से दायित्व का निर्वाह किया। सांब जैसे पुत्र, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सांब की वृत्ति थोड़ी अच्छी नहीं थी, क्यों, क्योंकि वह माता के स्नेह से इतना ज़्यादा स्वभाव उसका खराब हो गया था कि वो मन माने ढंग से कार्य करता था। जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती, भगवान की पत्नी,
उनसे उत्पन्न हुए सांब। तो माता के अत्यंत स्नेह से यह पुत्र जो है इसकी वृत्ति थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब देखिए युवावस्था में बच्चे लोग क्या करते हैं, उनका आकर्षण होता है ना अपोजिट सेक्स है ना। तो दुर्योधन के महल में पहुंच गया, वहां जाकर दुर्योधन की जो पुत्री है उनके साथ उसने संपर्क स्थापित किया जबरन। हालांकि प्रेम एक तरफा प्रेम था, दुर्योधन की पुत्री नहीं चाह रही थी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, लेकिन सांब की इच्छा मर्जी है ना। जिनके पिता कृष्ण हैं तो देखिए हमें इससे ये सीख मिलती है कि भगवान और उनके उनकी वंशावली का हम अनुकरण न करें, अनुसरण न करें, उनका सिर्फ हम श्रवण करें। तो क्या होगा, हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, हृदय में शुद्धता आएगी है ना। इमिटेशन नहीं करना है ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भगवान की वंशावली में जैसे भी पुत्र हैं तो उनके पिता कृष्ण प्रत्यक्ष। गीता में भगवान लिखते हैं ना, बताते हैं छठवें श्लोक के 41वें, छठवें अध्याय के 41वें श्लोक में, प्राप्य पुण्य किताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह है ना, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते है ना। अब देखिए ऐसे व्यक्ति जिन्होंने थोड़ा सा पुण्य किया है, थोड़ा सा भगवत भक्ति की है, सॉरी पुण्य नहीं, योग भ्रष्ट अभिजायते, योग भ्रष्ट अभिजायते, जो योग से भ्रष्ट हो गया उसको क्या बेनिफिट मिलता है, थोड़ी सी भक्ति उसने की। भगवान कहते हैं नमे भक्ते या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो वो कहाँ जाते हैं, किस तरह से वो भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट होने के पीछे भौतिक कारण होते हैं है ना। आध्यात्मिक वृत्ति हमारी क्षीण होती है भौतिक कारणों से, भौतिकता के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं है ना, विषय भोगों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे पतन हो जाता है। वास्तव में मनुष्य आध्यात्मिक है ना, जीवात्मा भगवान की पराशक्ति है, आध्यात्मिक है, लेकिन वह भूल जाता है अपनी वास्तविक स्थिति, भूल कर वो रमण करता है संसार में है ना, संसार के भोगों को भोगने की इच्छा होती है उसके अंदर, तो वह पतन के रास्ते पर चलता है। लेकिन भगवान की इतनी कृपा देखिए कि थोड़ी सी भी भक्ति अगर किसी ने की है तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बहुत बहुत सारे पुण्य किए हैं, ऐसे जो लोग हैं पुण्य आत्माएं जहाँ उन लोकों में जाती हैं ऊर्ध्व लोकों में भोग करने के लिए, कह रहे उन स्थानों में इन पतित जो भक्ति के पद से गिर गए उनको वहाँ भोग करने के लिए मिलता है। तो समझिए कितनी सुविधाएं हैं, अगर हमें भौतिक भोग करने की भी इच्छा होती है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं, यहाँ कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ देने में सक्षम है ना, ये भगवान की शक्ति है ना। तो जब ऐसे व्यक्ति भौतिक भोगों को भोगते हैं और उसके पश्चात कहते हैं कि सुचिनाम श्रीमताम गेहे, अच्छे कुल में उनका जन्म होता है, अच्छे कुल कई प्रकार के हैं, धनवान कुल जहाँ कोई चिंता नहीं, भौतिक चिंताएं नहीं है, अच्छा है ना, धनवान कुल अच्छा है, धनवान व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं देखिए, कृष्ण कितने धनवान हैं, सड़ ऐश्वर्यपूर्ण, सारे ऐश्वर्य कृष्ण के अंदर हैं, उनकी संतान है सांब, भगवान उनको नहीं संभाल पाए, तो हमारी आपकी क्या बात है बताइए। तो इस संसार में जो भी कुछ होता है उसके लिए हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सबको कंट्रोल करते हैं, सबका नियंत्रण करते हैं है ना। तो ये
टेंशन भगवान का है, क्योंकि भगवान का जो टेंशन है वो अटेंशन से पूर्ण है। इसीलिए हमें भगवान का आश्रय लेना आवश्यक है ना। तो अब सांब देखिए, उनका जन्म कहाँ हुआ? भगवान के कुल में उनका जन्म हुआ, भगवान उनके पिता बने। तो इन्होंने कितना कितना कुछ किया होगा कि ये भगवान के नित्य संगी हैं, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी लीलाएं हैं भागवतम में हम श्रवण करते हैं, उन लीलाओं को श्रवण करने के लिए, उनका अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण करेंगे तो हम कृष्ण बनने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि कृष्ण बनने का प्रयास करने के चक्कर में क्या होगा, हम गोवर्धन धारण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। जितने भी भगवान की लीलाएं हैं वो अति मानवीय लीलाएं हैं ना, कोई साधारण लीला नहीं है। तो अभी सांब पहुंच गए हस्तिनापुर में। पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत काल तक युद्ध किया। उनको कौरव पक्ष के लोग बड़ा उनके लिए कठिन कार्य हो गया, इनको परास्त करना। समझ सकते हैं, अकेला सांब युद्ध कर रहा है और दुर्योधन के अंतःपुर में उनकी जो पुत्री है उनके साथ उन्होंने संपर्क किया। तो दुर्योधन के कुल में भी ऐसा है कि कोई स्त्री अगर किसी पुरुष के द्वारा स्पर्श हो जाती है तो उसका विवाह उसी के साथ करना होता है। क्या वैदिक रीति है बताइए। तो दुर्योधन जैसे कुल में यह रीतियां अपनाई जा रही हैं, है ना। तब बहुत प्रयास करने के बाद सारे के सारे योद्धा इनके साथ युद्ध किए और फिर उनको क्या किया, उन्होंने पकड़ लिया सांब को और पकड़ के उसको कैद खाने में डाल दिया, कैद कर लिया। और उसका इंस्ट्रक्शन था उसके बारे में कि इसका वध न किया जाए, है ना। वध करने से दुर्योधन की जो पुत्री है उसका विवाह नहीं होगा, है ना, वो आजीवन कुमारी रह जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि उनको थोड़ी यातनाएं दी गई लेकिन उनका वध नहीं करने का ऐसा निर्देश था। तो जब ये बात उग्रसेन को पता चला, उग्रसेन भगवान के भक्त हैं, है ना, कृष्ण के आदेश के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करने वाले, कृष्ण की वंशावली में अगर कुछ अघटित होता है तो उग्रसेन उसके लिए तत्पर रहते हैं, है ना। तुरंत उन्होंने क्या किया, उसको छुड़ाने के लिए आदेश दिया। लेकिन कुरुवंश देखिए इतना गौरव से भरा पड़ा था, इतना अभिमानी था, उन्होंने उनका निरादर किया कि सांब को छोड़ने के लिए उन्होंने कहा, उग्रसेन ने आग्रह किया लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बदले में यदुवंशियों को उन्होंने क्या किया, बुरा भला कहा, बोले अरे ये यदुवंशी, हम कुरुवंशी हैं, हम राजा हैं, हमारा शासन चलता है, हम शासक हैं और ये सब हमारी प्रजा है, लेकिन हमारे परिवार में ये हमारे संबंधी हैं क्योंकि विवाह इनके परिवार में हुआ, है ना, बहुत सारे विवाह हुए, कुछ कुछ विवाह हुए, तो इस तरह से ये कहते हैं कि हमारा विवाह होने का मतलब क्या, संबंधी हो गए, इसीलिए हमने इनको इतना सम्मान दिया है, इनको जगह दी है, जमीन दी है, सारी व्यवस्थाएं दी हैं, सब कुछ दिया है, सारा सुख सुविधा हम लोगों ने इनको दिया है। देखिए कितना अभिमान है बताइए, है ना। उनको पता है कि भगवान कृष्ण भगवान है,
सबके मालिक हैं, सबके नियंता हैं, परमेश्वर हैं, सब कुछ उनके अधीन है। इसके बावजूद व्यक्ति इतना मूड हो जाता है कि भगवान की स्थिति को भुला देता है ना। तो इस तरह से उन्होंने भगवान को और उनकी वंशावली यदुवंशियों को उन्होंने भला बुरा कहा, समझ रहे ना, बहुत अशोभनीय बात कही कि ये पैर की जूती है हमारे मुकुट के ऊपर, हमारे मुकुट के ऊपर अधिकार करना चाहती हैं। इस तरह से उन्होंने अश्लील बातें कही तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो बलराम जी को यह सूचना दी गई कि सांब को कैद कर लिया गया है और आप जाइए, है ना, उनकी व्यवस्था कीजिए, उनको लाने का इंतजाम कीजिए। कृष्ण चुपचाप है, कोई मतलब नहीं है ना, देखिए कैसी व्यवस्था है। तो बलराम जी को जब ये पता चला, वो चाहते थे कि कुरुवंशियों में और यदुवंशियों में कोई झगड़ा झंझट फसाद ना हो तो अच्छा है। शुरू से ही बलराम जी का उनके प्रति थोड़ा सा वीकनेस, वीक पॉइंट था, है ना, दुर्योधन को चाहते थे वो थोड़ा, है ना। लेकिन जब देखा कि ऐसी हरकत कर रहे हैं कुरुवंशी, तो बलराम जी सूचना पाकर तुरंत चले गए हस्तिनापुर में। वहां जाकर उनके महल में प्रवेश नहीं किए, महल के पास में एक उद्यान था, वहीं पे उन्होंने डेरा डाल दिया, उद्यान मतलब गार्डन के अंदर, है ना। और उनको दूत के माध्यम से खबर भिजवाया, तो दूत कौन बने, उद्धव जी। उद्धव जी गए, उद्धव जी का स्वभाव बड़ा सौम्य स्वभाव है, शांत स्वभाव है, कहीं कोई झगड़ा झमेला हो तो वहाँ पे ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को भेजना चाहिए, न कि वहाँ जाकर और हमारे हिंदी में कहते कड़ी बिगाड़ देना, है ना। तो उन्होंने उद्धव को भेजा, उद्धव जी ने ये सूचना दी तो उनको कुरुवंशियों को अच्छा नहीं लगा, और बहुत सारे लोग थे। उद्धव ने जाकर ये बात कही कि बलराम जी आए हुए हैं, है ना। तो बलराम जी चूंकि उनके शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं, तो इसलिए बड़े खुश हुए कुरुवंशी, और उनके स्वागत की तैयारी करने लगे। स्वागत किसकी की जाती है, जो माइटी, जो जो व्यक्ति ताकतवर होता है ना, उसका बड़ा स्वागत होता है, होता है कि नहीं होता है। तो इतने इतने इतना स्वागत कृष्ण का नहीं करते, क्योंकि कृष्ण से ज्यादा ताकत का प्रदर्शन बलराम जी करते हैं, है ना, बड़े जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, और उनके हाथ में पावर भी है ना, भगवान की प्रत्यक्ष शक्ति है बलराम जी, है ना। तो बलराम जी का खबर जब सूचना उनको मिली, वैसे स्नेह उनको था ही, क्योंकि बलराम जी हमेशा उनका जब भी कहीं कभी कृष्ण के साथ मतभेद होता कौरव कुरुवंशियों को लेकर, तो बलराम जी उनका सपोर्ट करते थे। हर कुछ कुछ प्रसंग ऐसे हैं जहाँ भी बलराम जी सपोर्ट किया करते, नहीं नहीं ठीक है ना। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में वो नहीं रहे, चले गए, है ना, तीर्थ यात्रा में निकल गए, है ना, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहते कुरुवंशियों में यदुवंशियों में झगड़ा झंझट हो, है ना, क्योंकि ये हमारे कौन है, हमारे आत्मीय स्वजन है, इस तरह से उनको मानते थे। तो बलराम जी का बहुत अच्छी तरह स्वागत किया, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की, उनका पाद प्रक्षालन किया गया, सब कुछ अच्छी तरह से, है ना। लेकिन बलराम जी के मूड को नहीं समझ पाते थे, बलराम जी के मूड को समझना चाहिए ना, कि बलराम जी चाहते किस लिए आए हैं, भागे भागे आए हैं, है ना, उग्रसेन को भेजा है, फिर उद्धव को भेजा है, डायरेक्ट नहीं आए, मतलब क्या, मतलब उनको क्रोध है कि तुम जल्दी शाम को छोड़ो, है ना। लेकिन वो उल्टी बातें करने लगे,
हाँ, बलराम जी को भी उल्टा पलटा उल्टी बातें कहने लगे, है ना। देखिए इस तरह से उनका जो व्यवहार बलराम जी के प्रति अच्छा नहीं था, है ना। भगवान का भाव जो है भक्तों को समझना चाहिए, है ना। जो शुद्ध भक्त हैं उनके भाव को समझना चाहिए कि वास्तव में उनकी इच्छा क्या है। अगर उन भाव को समझे बिना हम कोई कार्य करते हैं तो बस वह निष्फल होता है ना। गुरु गौरांग को संतुष्ट करने वाला नहीं होता है। इसलिए हमें बहुत आवश्यक है भगवान को समझना। जब हम भगवान को भली भांति समझेंगे, उनके भक्तों को भली भांति समझ पाएंगे, उनके लीलाओं को श्रवण करेंगे, तो हम उनके भाव को समझ पाएंगे। तद अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो ऐसे कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, है ना। अन्यथा भगवान अप्रसन्न रहते हैं, है ना। मनमाने ढंग से हम लोग भक्ति भी करते हैं, मान लीजिए, है ना। किसी से पूछें कि आप पूजा करते हैं भक्ति करते हैं, सब कहेंगे आपको हम तो पूजा करते हैं, हम तो भक्ति करते हैं। लेकिन वास्तविक जो भक्ति है अगर उसको हम अंगीकार न करें तो इससे क्या होगा, उत्पात ही व कल्पते, है ना। श्रुति स्मृति पुराण आदि, है ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि। तो अगर हम जो आचार्यों ने कहा, जो शास्त्रों में वर्णित है, जो साधु गुरु कहते हैं, अगर उसका हम अनुशीलन नहीं करें, मनमाने ढंग से अगर भक्ति करें तो क्या होगा, समाज में उत्पात होगा। तो ये सर्वत्र हम देख सकते हैं, भारत भूमि की ये स्थिति है, जबकि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, है ना, भक्ति याजन करने की। प्रभुपाद जी ने कितनी सुविधाएं सब जगह दे दी हैं, सर्वत्र पूरे विश्व भर में, कैसे हम भक्ति का अनुशीलन करें, है ना। ये प्रभुपाद जी कृपा सभी के ऊपर है, है ना। प्रभुपाद जी ने सर्वत्र कितने सेंटर्स खोले हैं, कितने सेंटर्स, वहाँ पे उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद जी का क्या उद्देश्य था कि लोग आए यहाँ पर, है ना। भक्ति क्या है उसको समझें, है ना, फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं, है ना, स्वयं अपने उत्थान के लिए, है ना। तो ये कहते हैं कि मरुस्थल में ओएसिस के समान है, है ना। ये भौतिक जगत क्या है, मरुस्थल की तरह है ना। यहाँ हम सुख की तलाश में कितने सांसारिक कार्य करते हैं, है ना, लेकिन हमें सुख का अल्प भी अनुभव, थोड़ा भी अनुभव नहीं होता। वास्तव में सुख की जगह हमें दुख ही प्राप्त होता है, है ना। लेकिन जिन लोगों ने भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया है, ऐसे लोग वास्तव में जीवन का जो आनंद है उसको प्राप्त करते हैं। तो ये स्थिति कौरवों और पांडवों के मध्य हम देख सकते हैं ना। इन दोनों में देखिए, दोनों के पास सारी व्यवस्था थी, है ना। बल्कि पांडवों के जो वंश के जो लोग थे, है ना, पंच पांडव, उनका जो परिवार था वह डिप्राइव था, है ना। कुरुवंशी सारी सुविधाएं थी उनको, है ना, लेकिन देखिए जो मति है वह सही नहीं है। भगवान के प्रति जो मति होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसका परिणाम हम देख सकते हैं आँख के सामने, है ना। रथी महारथी सब के सब धराशाही हो गए, हुए ना। तो जहाँ भगवान की कृपा नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, जितना भी हम प्रयास कर लें। प्रभुपाद जी कहते हैं 0+0, शून्य के आगे जितना भी जीरो बैठा लीजिए, अल्टीमेटली इट कम्स टू जीरो, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि उद्धव जी के कहने के बावजूद बलराम जी ने स्वयं आग्रह किया, लेकिन उनके भाव को न समझते हुए बलराम जी को भी बुरा भला कहा। हाँ, अब भगवान रुष्ट हो गए, है ना, है कि नहीं। भगवान के चरणों में अपराध हुआ,
और भगवान ऐसे अपराधी व्यक्तियों का अभिमान गर्व जो है वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं, है ना भगवान, और कुछ नहीं, ये उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु ने तो, महाप्रभु ने तो यह कार्य ही किया है ना, जगाय मदाय जैसे व्यक्तियों का उद्धार किया। हाँ, पापी तापी जारा छिलो होरी नामे उद्धारी लो, उनको हरिनाम प्रदान किया। नित्यानंद प्रभु ने वास्तव में उनके ऊपर कृपा की। निताय, नित्यानंद प्रभु की जो करुणा थी वो करुणा के सागर हैं, चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा करुणा के सागर हैं। तो महाप्रभु ने जगाई मदाई का वध करना चाहा, क्योंकि भक्त के ऊपर अगर कोई प्रहार करता है भगवान उसको सहन नहीं कर पाते, है ना, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को यह असहनीय हो गया और तुरंत उन्होंने अपना चक्र उठाया और जगाई मदाई का वध करने के लिए। लेकिन तुरंत नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उनको रोक दिया, महाप्रभु से विनती की कि आपका यह जो अवतार है वास्तव में दुष्टों का दमन करने के लिए नहीं, हृदय में जो अनर्थ है उस अनर्थ की निवृत्ति के लिए आप आए हैं, है ना। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका और इस तरह से उनके ऊपर करुणा प्रदर्शित की और अंत तो गत्वा जगाई मधाई एक महान आत्मा बन गए, है ना, महाप्रभु के चरण कमलों का, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लिया, स्वयं अपना उद्धार किए और जगत वासियों के उद्धार के लिए उन्होंने प्रयास किया। यह वैष्णवता है ना, स्वयं के अनर्थ की निवृत्ति हो जाए तो ऐसे जो जीव हैं संसार में जो अज्ञान अवस्था में हैं उनको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, वो यह जानते हैं कि हमने भौतिक प्रगति कर ली तो हमारा सब कुछ हो गया, सारा काम हमारा बन गया, है ना, भौतिक जगत की कुछ योग्यताएं अर्जन कर लेते हैं, कुछ भौतिक प्रतिष्ठा अर्जन कर लेते हैं, भौतिक विषय वस्तुओं को अर्जन कर लेते हैं, मानते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, ये अज्ञानता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, ये अज्ञानता है। तो वैष्णवता क्या है, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों के समक्ष उनके अज्ञान के अंधकार को दूर करना। तो भगवान क्रोधित हो गए कुरुवंशियों के ऊपर और उन्होंने क्या किया, अपने हल को लिया, हल और मूसल, है हल और मूसलधारी, है ना, हलधर भगवान, तुरंत उन्होंने क्या किया, हस्तिनापुर को ही अपने हल से आकर्षित करके गंगा में विसर्जन कर देना चाहा। आप समझ सकते हैं उनकी ताकत। वो तुरंत उसका प्रदर्शन किया, कुछ विचार नहीं किया, है ना, कि अब हमें क्या करना है, इस पूरे हस्तिनापुर शहर को गंगा में विसर्जित कर देना है, है ना, उसको आकर्षित किया हस्तिनापुर को और तुरंत हाथ जोड़कर लोग खड़े हो गए, है ना, भागे। जैसे करुणा काल में हम देख सकते हैं ना, भगवान कितने कृपा करते हैं जीवों के ऊपर, भगवान ऊपर सर उठाकर देखने के उसके पास फुर्सत नहीं है, है ना, भगवान ने सारा कुछ दिया हमें लेकिन हम क्या समझते हैं, कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, जो भी कार्य हमारा होता है भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत होता है, तीनों गुणों से प्रभावित होकर हम कार्य करते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम कर्ता हैं, मैं एक बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं एक बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, कई प्रकार की उपाधियाँ सर पे बोझ लेकर चलता है व्यक्ति, है ना, वास्तव में ये उपाधियाँ क्या हैं, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार, मैं कौन हूँ, वास्तविक जो अहंकार है वो क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास, है ना, सभी जीवात्मा ऑल लिविंग एंटिटीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम, है कि नहीं,
तो हम सब उनके अंग हैं और हम सबका कर्तव्य है उनकी सेवा करना, तब ये सारे अंग सुखी होंगे। हम सभी भगवान के अंग हैं कि नहीं है? अंश हैं। अंश होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है? अंशी की सेवा करना। अगर अंग इस शरीर की सेवा नहीं करेगा, कोई अंग सुखी रहेगा? इतनी साधारण सी बात हमारे समझ में नहीं आती है ना। और अहंकार में हम ग्रस्त रहते हैं। अहंकारे मत होइया होरी पौधो बिशारिया कि निताई पौधो पाशोरिया। हाँ, देखिए नित्यानंद प्रभु की बात आती है ना। तो भगवान नित्यानंद प्रभु परम दयालु हैं, उनके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेकर। ये बलराम जी के अवतार हैं नित्यानंद प्रभु, हैं कि नहीं है? है ना। स्वयं नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं, लेकिन यहाँ उनका भाव बिल्कुल विपरीत भाव है, दीनहीन भाव है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं, सुनो सुनो नित्यानंदो, सुनो हरिदास, अमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश। नित्यानंद प्रभु करते हैं, कहते हैं हरिदास को, कहते हैं जिन्होंने अपने इस भाव को अंगीकार किया है ना। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आए, ब्रह्मा जी के अवतार हैं हरिदास ठाकुर है ना, बलराम जी के अवतार हैं नित्यानंद प्रभु, इन दोनों को ही आदेश देते हैं है ना, प्रचार करने के लिए। ऐसे लोग प्रचारक हैं, वास्तव प्रचार, वास्तविक प्रचार है ना, है ना। जीव के हृदय को हमें क्या करना है? वशीभूत करना है ना। अनर्थ की निवृत्ति कैसे होगी अगर हम उसके हृदय को, हृदय के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं है ना। तो ये दोनों इसीलिए अवतरित हुए, क्योंकि कलयुग में जीव की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, है ना। भगवान को पता है कि यहाँ पे कौन सा डोज काम करेगा, तो ये सबसे बड़ा डोज है चैतन्य महाप्रभु का। कौन? नित्यानंद प्रभु। और कौन है? हरिदास ठाकुर। इसीलिए उनको आदेश दिया प्रचार करने के लिए, उनको प्रचारक बनाया। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमार आज्ञा। क्या आज्ञा है चैतन्य महाप्रभु का? प्रति गौरे गौरे गया करो ही भिक्षा, भिक्षा मांगो। ये प्रचारक का स्वभाव। त्रिनादपि सुनी छे न तरोरिव सहिष्णु नाम, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरी है ना। तब ऐसा, ऐसे भजन होगा, हृदय जो है शुद्ध होगा। और जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, श्रील प्रभुपाद का जो मिशन है, उस मिशन को हम थोड़ा सहयोग करने में समर्थ होंगे, थोड़ा सहयोग। कोई योग्यता नहीं हमारी है ना, अकिंचन, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा हमें मिलेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो समय ज़्यादा हो गया, 9:33 ठीक है। तो इस तरह से बलराम जी के सामने जब उन्होंने ये अपना ये स्वरूप प्रकट किया, तो तुरंत वो अपनी पुत्री को लेकर आए और शाम को लेकर आए, उनके सामने उनको रख दिया। इस तरह से ये लीला भगवान बलराम जी की हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रीमद्भागवतम अमल पुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं लेता हूँ। अगर कोई करना चाहते हैं प्रश्न, प्रयास करूँगा। कोई कमेंट किसी का हो तो हम सुनने का प्रयास, हम सुनेंगे। कोई कमेंट कुछ करना चाहते हैं आज के प्रसंग में जो भी चर्चा हुई? ओके, कोई प्रश्न नहीं है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। प्रभु जी का प्रश्न है। ओके, हरे कृष्णा।
इसका मतलब ये है कि ये करुणा का करुणा के अवतार हैं। ये जो पूरा मंत्र है ना करुणा से भरा हुआ है। तो हम कलयुग के जो जीव है भगवान के नाम जप करने में भी हम समर्थ नहीं है, है ना। नाम जप करते हैं तो ज्यों ही हम माला लेकर बैठते हैं फैक्ट्री की याद आती है, ऑफिस की याद आती है, घर की याद आती है, पत्नी की याद आती है, गृहस्थ हो तो, है ना। आप गृहस्थ हैं ना, गृहस्थ है ना। तो इसीलिए ये जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद इनका हम नाम उच्चारण करते हैं, है ना, ताकि हम जप कर पाए, जप के लिए हमें सहायता मिले। ये हमें सहायता प्रदान करने वाले हैं, है ना, पंच तत्व हैं ये, ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। शील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की नताय गौर प्रेमानंदे।